देखिए यहाँ से, यहाँ से दिख रहा था, इसके अंदर में छेदा है। आप देख सकते हैं काफी बिग साइज का कोबरा सांप है। यही था वही तो साला जात वाला बिलिया में से निकल के वही पे जा, इधर भी बाहर भी आ रहा है अंदर भी जा रहा है। ना ना वो इसी में रह रहा है अंदर है। हाँ, और ही बाहर और नहीं निकल रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अगर फिर से अपने घर से बलिया से काफ़ी दूरी पर आए हैं, लगभग 25 किलोमीटर। चोगड़ा गांव है ये, सोन गांव में हम लोग आए हुए हैं। मनोज भैया का नाम है और एक सांप है, एक है कि दो है, एक ही इधर उधर घूम रहा है। दो है, दो देखा गया है। तो वो वही तो हो सकता है कि सुबह में दिखा हो शाम को। चलिए दिखाइए कहाँ है, आ जाइए। चलो कहाँ है, कहाँ देखा गया बताइए। रात को ना, रात को देखिए कहाँ देखा था, एक मिनट दिखाया। रात को इस बिल में से निकला, यहाँ से। हाँ। यहाँ से निकला, इस तरह निकल कर इसमें ढुक गया, इसके अंदर। अभी जो निकला है यहाँ से निकला है, वो बोल रहे थे कुछ साइकिल में लपटाया था, भूला कलर का है। यहीं पर थोड़ा थोड़ा उसका मुँह इतना निकाला था और फिर घुस गया, तब से अभी तक दिखाई नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे दिखा है। हाँ, उसके हाँ, बाद नहीं दिखा है। हाँ, देखिए यहाँ, यहीं पर देखिए, यहाँ से दिख रहा था यहाँ पर। हाँ, इसके अंदर में छेदा है, एक उसके इस अंदर में, इधर अंदर में। हाँ, एक है ना यहाँ पे, इसके अंदर में ढुक गया कल रात को, इसके अंदर। तो वही होगा। हाँ, वही होगा, अंदर अंदर उसका सुराग है। अरे इतना बड़ा था, काला सा। दवाई छींटे नहीं। देखिए यहाँ दिक्कत क्या है कि दिखेगा तो आदमी पकड़ लेगा। अब क्या है कि वो दीवाल में अगर घुस के बैठा होगा तो पूरा मकान तोड़ा नहीं ना जा सकता है। अभी है निकल बनो रामाटा ए अनु भैया, वो हो जाए तक हो हमारे मान में तक हो। पीछे देखो कहाँ पर पीछे देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बिग साइज का कोबरा सांप है। काफी मशक्कत के बाद ये दिखा है। दिखाते रहिए, दिखाते रहिए, पास इधर आइए। अरे यही था ना। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी मोटा सा सांप है। ये कोबरा है जिसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, नाग, फेटर और गेहोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए कुछ ना कुछ खाया हुआ है, पूरे घर को ये परेशान करके रख दिया था। आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ ये खा चुका है। दोस्तों इसे ही हमारे यहाँ गेहुअन और नाग फेटार के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वेनमस सांप होता है। चूहा खाया है, चूहा कहीं नहीं जाएगा, अब आप कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लोग कल रात से ही परेशान हैं, चूँकि सांप आने के बाद भी दिख नहीं रहा था। अब हम लोग को भी ऐसा हो गया था कि अब ये सांप नहीं दिखेगा, अब हम लोग वापस जाया जाए, लेकिन फिर भी जाते वक्त ये सांप दिखाई दे चुका है।
दोस्तों इतना बड़ा चूहा खा चुका है जिससे ज़्यादा तेज वो चल नहीं पा रहा है। दोस्तों ऐसे गर्मी का टाइम है और गर्मी के कारण ये सांप निकल रहा था, दिन में बहुत ज़्यादा उमस था इसीलिए ये निकल रहा था। दोस्तों वैसे सांप किसी को जानबूझ के नहीं बाइट करता है, तो किसी को भी जानबूझ के नहीं काटता है। देखिए अभी ये पैर के पास से जा रहा है लेकिन काट नहीं रहा है, जब तक इसके ऊपर पैर नहीं पड़ेगा ये किसी को नहीं काटेगा। अरे अब नहीं होगा, तो चलिए दोस्तों अब इसे यहाँ से पकड़ के लेके चलते हैं, और जब भी गलती से भी किसी को स्नेक बाइट होता है आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। देखिए दोस्तों देखिए कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि अपने से भी बड़ा साइज का भोजन नहीं कर पा रहा है। देखिए काफी बड़ा सा चूहा खा चुका था, अब ये और काफी तेजी से भागेगा। दोस्तों सांप जो है इसलिए अपने भोजन को निकाल देता है क्योंकि ये अपने शरीर को हल्का करना चाहता है, जैसे इसकी बॉडी हल्का हो जाएगी ये और ज़्यादा स्पीड भागने लगेगा। हजार तो चलिए दोस्तों अब इसे पैक करते हैं, पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं कहीं खुले में, इसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। पकड़े ना, दोस्तों इसके ऊपर में दो जहरीले दांत होते हैं और यही जब काटता है तो काटने के बाद दो निशान बनता है। और चलिए इसे पैक करते हैं, और कभी भी यहाँ पे मैं 2-3 बार आया हूँ, सोवन गांव में एक लड़की थी 18 साल की, उधर पिछले साल उसको सांप काटने से मौत हो गया था। ये ऐसा इसलिए होता है, वो लोग सती मैं के यहाँ गए थे, झाड़ फूँक कराने पर जब जहरीला सांप काट देगा तो कोई नहीं बचेगा, और जो बच जाता है उसका कारण ये रहता है कि 100 में से 95% सांपों में जहर नहीं होता है, ये सांप बेहद ही जहरीला है और उसी कारण 100 में से 95 लोग झाड़ फूँक से बच जाते हैं क्योंकि उसमें जहर होता ही नहीं है। अगर ये सांप गलती से किसी को काट ले तो उसका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब भी स्नेक बाइट हो आप किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल भी जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतने ही बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, और जितना ही देर करके जाएंगे उतने ही बचने के चांसेज आपके कम हैं। और चलिए इसी के साथ इसे पैक करते हैं और ले कर चलते हैं कहीं खुले में, जंगल में इसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी सेट पैक करते हैं। अरे गेहुअन को ही नाग कहा जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। अरे चेक तो पूरा घर कर लिया गया है, आधा से ज्यादा घर तो तोड़ दिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आपकी नजरों के सामने ही सांप को पैक कर लिया गया है। हालांकि हम लोग अब छोड़ छाड़ के जा रहे थे लेकिन अचानक से एक मुक्की में दिख गया, फिर तोड़ ताड़ के इसे निकाल लिया गया है सुरक्षित तरीके से और लेके चलते हैं कहीं दूर खुले में रिलीज कर दिया जाएगा। आपको काम हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्त मित्र रिलेटिव को ये शेयर भी करिएगा ताकि बहुत सारे लोग अभी भी अंधविश्वास में झाड़ फूँक कराने से उनकी जान चली जाती है। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान और इंसान की हेल्प करते हुए। इसे पकड़ा गया, नहीं तो हम लोग तो अब जा रहे थे। अच्छा कौन चल रहे बाबू, नहीं खेलो, नहीं खेलो दादी, कौन चल किया दादी, नहीं खेलो कौन।